वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो में काफ़ी छोटी सी नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए वीडियो को छोटी सी वीडियो है लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों कहते हैं वीडियो साथी, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और महासा कुमरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट ही आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, तो आपको पता ही, जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे सेकंड सेमेस्टर के, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट के जो अभी तक फीस नहीं जमा की थी, लेकिन इंक्रीज करती रही यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी अपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे और कुछ ने भरे तो फीस भी नहीं जमा करी है। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने 10 तारीख और 12 तारीख को 2 दिन की छूट दी है। अगर आप अपना कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इन 2 दिन में अपनी एग्ज़ाम फीस जमा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इन्होंने 1,000 रुपये जो मतलब लेट फीस है, वो लेट चार्ज रखा है, वो एक्स्ट्रा आपको देना होगा, यानी कि जो आप पे चार्ज लगेगा अगर अभी आप फीस जमा करते हो 10 तारीख से 12 तारीख तक, 3 दिन आपके पास है, तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। आपको फीस भी जमा करनी होगी, साथ ही 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने होंगे। बट इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाओगे और आपका साल बेकार नहीं होगा। अदरवाइज आपको फिर से मतलब सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो होगा नहीं, इसलिए आपका फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर आप इच्छुक हो अपनी फ़ीस जमा करने के और अभी तक फीस नहीं जमा करी है, कोई स्टूडेंट ऐसा है, तो 10 तारीख से 12 तारीख तक अपनी फ़ीस जमा कर सकता है। लेट फीस 1,000।